क्या कांग्रेस पार्टी को एक जादूगर ही बचा सकता है? ऐसे बिल्कुल लगता है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं कि अशोक गहलोत बनेंगे कांग्रेस के अगले अध्यक्ष, ये डिसीजन अगस्त 28 को ले जाए दी जाएगी जब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी मिलेगी। और आपको जैसे कि मालूम है, कांग्रेस के चुनाव 20 सितंबर तक होने की घोषणा हो चुकी है। गांधी परिवार से सबने कह दिया कि हम नहीं खड़े होंगे। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा के लिए जा रहे हैं, प्रियंका गांधी का नाम खुद ही परिवार ने काट दिया, और सोनिया गांधी ने कहा है कि अब उनको ब्रेक चाहिए। और शायद वो भी चाहती हैं कि उनकी वॉच में, जब वो बिल्कुल काबिल हैं और कंट्रोल में हैं, कि उनका जो सक्सेशन प्लान होए। तो अशोक गहलोत जो एक फैमिली के अच्छे लॉयलिस्ट हैं, सबको उन पे भरोसा है, ओल्ड गार्ड भी हैं और सबको मास लीडर भी हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी भी अच्छी है, ओबीसी भी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी ओबीसी हैं, तो ये सब चीज़ें को लेकर अशोक गहलोत एक अच्छे कैंडिडेट बनेंगे, जो एक होल्डिंग पोजिशन में रखेंगे जब तक राहुल अपनी भारत जोड़ो यात्रा करें और लोगों उनके साथ जोड़ पाएँ। ये उनकी पहली यात्रा नहीं है, उन्होंने बहुत ऐसे प्रयत्न किए हैं, पर लगता है, सोच रहे हैं लोग कि इस बारी वो बिल्कुल कह रहे हैं कि मैं दिल जान से काम करूंगा और कुछ ना कुछ कांटेक्ट बन पड़े, उनकी इमेज थोड़ी ठीक हो, तब राहुल गांधी आगे आएंगे। तो ये तय तो हो गया है, लेकिन जो डिसीजन हमें देखनी है कि अशोक गहलोत खुद मानेंगे या नहीं। और मैंने उनको जादूगर क्यों कहा, क्योंकि रशीद किदवाई, जो इन्होंने अपनी किताब लिखी है 24 अकबर रोड, कांग्रेस को काफ़ी करीबी से जानते हैं, उन्होंने लिखा है कि जब गांधी परिवार के बच्चे, इंदिरा गांधी के टाइम पर जब राहुल और प्रियंका काफ़ी छोटे थे, तो गहलोत उनके लिए जादूगर की तरह उन्होंने थोड़ा उनके लिए मैजिक ट्रिक्स किया, ऐसे ही पास टाइम के लिए। पर अब तो उनको असली में एक मैजिक ट्रिक करनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस को बस एक जादूगर ही बचा सकता है जो इस स्टेट में कांग्रेस है। अशोक गहलोत का जादू चलेगा या वो चलाना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कहा है, रिकॉर्ड में कहा है, सूत्रों के हवाले करें, वो तो खुल के कह रहे हैं कि उनको दिल्ली नहीं आना है, वो राजस्थान में खुश हैं, मुख्यमंत्री पद में बड़े खुश हैं, स्पेशली अगर उनको लगता है कि उनके बाद सचिन पायलट को उनकी सीट मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है उन दोनों का बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। पर सचिन पायलट को प्रियंका गांधी ने प्रॉमिस किया है, और अब अगर कांग्रेस को नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना है और जनरेशन चेंज करना है, तो पायलट को फिर आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। और पायलट भी चाहते हैं कि उनको कुछ टाइम मिले, क्योंकि 2023 के एंड में राजस्थान में चुनाव हैं, वो चरणजीत सिंह चन्नी नहीं बनना चाहते जो बिल्कुल लास्ट मिनट में बुलाए जाएंगे और कुछ कर भी नहीं पाएंगे, तो उनको भी थोड़ा टाइम चाहिए। तो लगता तो है कि अशोक गहलोत बनेंगे, लेकिन आखिर तक किसी को पता नहीं क्या होगा। और सूत्रों से ये भी खबर आ रही है कि अगस्त 28 की जो CWC है, उसमें गांधी परिवार मौजूद नहीं होगा, दिल्ली में नहीं होगा, शायद जूम से ज्वाइन करें। पर इसका क्या मतलब है, मतलब जूम से ज्वाइन करना या मौजूद नहीं होना में, मतलब वो क्या चाहते हैं कि उनकी गैर हाजिरी में लोग कहें नहीं नहीं राहुल चाहिए, सोनिया गांधी चाहिए, या फिर वो अशोक गहलोत के नाम पे स्टैंप चाहते हैं? ये सब कंफ्यूजन है, लेकिन लगता है अगस्त 28 को कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा कि कांग्रेस आगे जा रही है या कांग्रेस उसी पोजिशन में अड़ी हुई है।